जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय प्रभुपादाय 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 जय प्रभुपादाय गौर हरि वो Hari Bol, 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 Hari सीता मैया की जय। तो आज बहुत ही शुभ दिन है, आज माता सीता का विवाह दिवस, सीता नवमी, एज वेल एज टुडे इज मोस्ट ऑस्पिशियस अपीयरेंस डे ऑफ श्री श्री जानवा माता ठाकुरानी। तो आज श्री श्री जानवा माता ठाकुरानी जो कि श्री नित्यानंद प्रभु की भार्या, नित्यानंद प्रभु की अंतरंगा शक्ति है, तो उनका भी आज अविवाह दिवस है। तो भक्तों के अनुरोध से मैं कुछ श्री श्री जानवा माता जी के ट्रांसेंडल पांच टाइम्स के ऊपर कुछ बोलना बोलने की चेष्टा कर पाऊंगा, पता नहीं मुझे इसके ऊपर शंका है। बिकॉज महाप्रभु के पार्षदों का गुणगान करना बहुत ही मुश्किल है, जब तक हम लोग उनकी सत्ता को या फिर उनकी जो सही स्थिति है उनको ना पहचान पाए, उसको ना पहचान पाए, तब तक उनकी ग्लोरीज हम लोग सही रूप से नहीं कर सकते हैं। फिर भी एज ए सर्विस हमें करना चाहिए, तो बहुत जरूरी है। स्पेसिफिकली मुख्य रूप से श्री चैतन्य महाप्रभु के जितने भक्त हैं, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन जितने भक्त हैं, उनको मुख्य रूप से श्री चैतन्य महाप्रभु और उनके पार्षदों के बारे में जानना, और जहाँ पे श्री चैतन्य महाप्रभु ने लीलाएं की उनके बारे में समझना उनका सर्वप्रथम कर्तव्य होना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अन्य लीलाओं के बारे में ना जाने ना समझे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के बारे में, उनके पार्षदों के बारे में समझना हमारा सर्वप्रथम कर्तव्य होना चाहिए। एक बार श्री श्रीमद जयप्रदा गोस्वामी महाराज बता रहे थे कि वो एक मंदिर में गए थे, मंदिर का नाम नहीं लेना चाहता, बहुत ही फेमस मंदिर है वो पश्चिम भारत की तरफ। तो वहाँ पे गए तो बहुत सारी, मतलब कि वहाँ पे तीन अल्टर थे, एक थे श्री श्री राधा कृष्ण के, एक थे श्री श्री गौर नीताई के, और एक थे श्री श्री कृष्ण सॉरी सीताराम लक्ष्मण हनुमान के। तो वो देख पा रहे थे कि श्री श्री गौर नीताई के सामने कोई नहीं,
तो वहां पे उन्होंने श्री श्री गौर निताई की महिमा का गुण महिमा का गुणगान किया, और उसके बाद वो देखे कि कुछ ही समय में वहां पे बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए श्री श्री गौर निताई को देखने। तो श्री श्री गौर निताई में श्री श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद की महिमा का गुणगान और भी ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि यही प्रेडिक्शन है कि जो तो नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हो भी मोर नाम। इसलिए हम लोग आज असेंबल हुए यहाँ पे महाप्रभु के पार्षदों को याद करने हेतु। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े छोटा सा प्रार्थना करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन श्रीचैतन्यमनोविष्टुं स्थापितुं येभूतले स्वयं रूप करामयं ददाति सपदनान्तं श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं हरियन सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणा ललिता श्रीविशाखान्वितां सह जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। तो गौर पार्षदों के बारे में सुनने का क्या महत्व है? तो ऐसे तो महत्व की कोई कमी नहीं है, हमें महत्व के बारे में सुनने के लिए भी अथाह है ना। लेकिन मुख्य रूप से नरोत्तम दास ठाकुर की बहुत ही सेलिब्रेटेड किताब प्रार्थना में से हम लोग देखते हैं कि क्या नरोत्तम दास ठाकुर क्या बोलते हैं। गौरांगेर संगी गने नित्य सिद्ध करिमाने सिजाए ब्रजेंद्र सुत पास। तो बहुत ही सिंपल बांग्ला है, गौरांगेर संगी गने। जो कोई व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु के संगी मतलब कि एसोसिएट्स को नित्य सिद्ध के रूप में जानता है, मतलब कि दे आर द इटर्नल परफेक्टेड सोल्स, ओके, दे आर नॉट लाइक वी। तो बोला जाता है कि जितना ज्यादा पीछे चली जाती है हिस्ट्री उतना ज्यादा लोग बहुत ज्यादा और भी ज्यादा डिवाइन होते जाते हैं। तो जैसे कृष्ण लीला में जो कुछ भी थे हमारे लिए सभी डिवाइन है कि नहीं, रामलीला में जो भी थे हमारे लिए और भी ज्यादा डिवाइन है। लेकिन गौर लीला तो अभी कुछ 500 साल पहले हुए, लेकिन वो भी उतना ही डिवाइन है जितने कृष्ण लीला और रामलीला है। तो जितने भी पार्षद गण थे श्री चैतन्य महाप्रभु के सभी नित्य सिद्ध थे, सभी गोलोक वृंदावन से उतरे थे महाप्रभु की पास टाइम से भाग लेने के लिए। और श्री गौड़ मंडल भूमि जय बाजाने चिंतामणि तो नरोत्तम दास ठाकुर बोलते हैं जो व्यक्ति गौड़ मंडल भूमि जो कि श्री चैतन्य महाप्रभु के लीलाओं का जो क्षेत्र है उसको चिंतामणि के समान समझता है, मतलब कि चिंतामणि धाम के समान समझता है, तो उसी व्यक्ति का ब्रज भूमि में वास हो सकता है अन्यथा नहीं। तो जो कोई भगवान श्री कृष्ण का सही में भक्त है उसे श्री चैतन्य महाप्रभु का भक्त होना ही पड़ेगा। तो आई मीन इट्स नॉट ए कंपल्सन, मतलब कि वो स्वतः ही हो जाते हैं कोई भी व्यक्ति। यहाँ तक कि श्री चैतन्य महाप्रभु जब थे इस धरती पे तो अन्य दूसरे भी जो अलग संप्रदाय के जितने भी वैष्णव गण थे सभी श्री चैतन्य महाप्रभु को भगवान श्री कृष्ण के रूप में स्वयं जानते थे। नानक देव जो कि सिख संप्रदाय से, यहाँ पे सिख धर्म, जब वो जगन्नाथपुरी में थे तो श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर से नीचे उतर रहे थे, तो नानक देव गुरु नानक देव जा रहे थे दर्शन करने के लिए। तो गुरु नानक देव ने श्री चैतन्य महाप्रभु को देख के दंडवत प्रणाम किया, बोला कि मेरा दर्शन तो इधर ही हो गया, मुझे श्री जगन्नाथ जी के दर्शन हो गए। तो इसी तरीके से जितने भी भगवान श्री कृष्ण के भक्त हुए हैं सभी श्री चैतन्य महाप्रभु को जानते हैं। और ये कहने की बात नहीं कि शास्त्रों में कितनी जगहों पे अथर्ववेद में महाभारत में स्कंद पुराण में अग्नि पुराण में पद्म पुराण में श्री चैतन्य महाप्रभु का एकदम स्पष्ट वर्णन है श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का और उनकी पार्षदों का।
तो ब्रह्मांड कारित शक्ति धरे जने जने ए वेदे पुराने गुण गाए जेवा सुने। जैसा कि नंददास ठाकुर बोलते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु के पार्षद और श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में वेदे पुराने हर जगह उनके गुणों का वर्णन किया गया है और कैसे हैं वे लोग। एक एक व्यक्ति श्री चैतन्य महाप्रभु का एक एक जो एसोसिएट है वो पूरे ब्रह्मांड का उद्धार कर सकते हैं। मतलब कि वो इतने एम्पावर्ड हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनको इतना एम्पावर किया है कि वो पूरे ब्रह्मांड को डिलीवर करने की शक्ति रखते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु के जब पार्षद थे कितने शक्तिशाली पावरफुल थे। उस समय इधर उधर बहुत सारे श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से बहुत सारे संत आज से 500 साल पहले इस धरती पे आए, जैसे रविदास, गुरु नानक देव, फिर वो हरिदास, दूसरे हरिदास, और उसके बाद कौन थे, फिर मीराबाई थी। तो ऐसे बहुत सारे भक्त थे जो कि डायरेक्टली श्री चैतन्य महाप्रभु की डिसिप्लिन सक्सेशन में नहीं आते हैं, बल्कि वो बहुत ही एम्पावर्ड हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा इंडिपेंडेंटली। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु के जितने पार्षद उनकी डिसिप्लिन सक्सेशन में आते हैं वो उतने उससे भी ज्यादा एम्पावर्ड हैं और होते रहेंगे ऐसे फ्यूचर में। तो इस तरह से श्री देविकानंदन ठाकुर श्री चैतन्य महाप्रभु के पार्षदों का गुणगान कर रहे हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं आज, क्योंकि मुख्य रूप से श्री जानवा देवी के ऊपर हम लोग आज चर्चा करने के लिए यहाँ पे एकत्र हुए हैं। तो श्री नित्यानंद प्रभु को तो सभी जानते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु को सभी जानते हैं। ब्रजेंद्र नंदन जयी सची सुत होइलो सही बलराम होइलो निताय। जो श्री कृष्ण है वही सची सुत हैं, श्री सची नंदन श्री गौरहरि, और जो बलराम जी हैं, बलराम जी मतलब कि वसुदेव एंड रोहिणी के पुत्र बलदेव जी और बलराम जी, वही नित्यानंद प्रभु हैं। तो नित्यानंद प्रभु का जन्म तो पता है सबको कहाँ हुआ था, एक चक्रधाम में हुआ था। उनकी माता का नाम था पद्मावती और उनके पिताजी का नाम था हड़ाई ओझा। पद्मावती रोहिणी हैं और हड़ाई ओझा वसुदेव के अवतार हैं। तो इस तरीके से नित्यानंद प्रभु जानते हैं कि हम लोग कैसे श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलते हैं और चैतन्य महाप्रभु मिलने के बाद वो हरिनाम संकीर्तन स्टार्ट करते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ। चैतन्य महाप्रभु उनका बहुत ही इगरनेस से वो वेट करते रहते हैं यहाँ पे मायापुर में, और मिलने के बाद बहुदोई जना स्टार्ट करते हैं हरिनाम संकीर्तन। हरिनाम संकीर्तन करने के बाद भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का संन्यास लीला होता है। उसके बाद संन्यास लीला होने के बाद जितने भी सारे पार्षद होते हैं, लगभग सभी पार्षद जिनको अलाउड होता है जाने को, श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ जगन्नाथपुरी में वास करते हैं। जब जगन्नाथपुरी में जाते हैं तो नित्यानंद प्रभु भी जाते हैं साथ में, और नित्यानंद प्रभु के पहुंचने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं नित्यानंद प्रभु को एक दिन कि नित्यानंद मैं तो इधर आ गया गौड़ देश छोड़ के। तो बंगाल का एक दूसरा नाम गौड़ देश भी है ना, तो आजकल उतना ज्यादा फेमस नहीं है शब्द, लेकिन 500 साल पहले इस क्षेत्र को गौड़ देश ही बोला जाता था और इसकी राजधानी थी मालदा में। अभी भी उस बड़े बड़े जो राजप्रसाद थे गौड़ देश के, गौड़ के, वो अभी भी मौजूद है मालदा में। कोई जाके देख सकते हैं मालदा राम के लिए, बहुत ही रमणीय जगह है। और उसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं मैं तो इधर आ गया गौड़ देश छोड़ के, लेकिन गौड़ देश में कौन रहेगा, गौड़ देश का उद्धार कौन करेगा, बंगाल का उद्धार कौन करेगा। तो उत्तर भारत को पंचगौड़ ही बोला जाता है, पंचगौड़ फाइव डिफरेंट रीजन्स इन विच द होल नॉर्दर्न इंडिया इज डिवाइडेड। तो पंचगौड़ उसमें से एक गौड़ है, मतलब कि बंगाल। तो गौड़ देश में कौन जाएगा, तो नित्यानंद प्रभु को श्री चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं नित्यानंद आपको जाना है गौड़ देश, और अभी तक तो आप पूरा एकदम रिनन्सिएंट रूप में आप घूम रहे हैं इधर उधर, और आपको अभी क्या करना पड़ेगा, आपको शादी करनी पड़ेगी, मीन्स यू हैव टू गेट मैरिड, यू हैव टू गेट मैरिड एंड यू हैव टू प्रीच इन टू लाइक पीपल दोज हू आर लाइक वेरी मच डिफिकल्ट टू बी अप्रोच्ड, यू हैव टू गो देयर, आपको वहां पे जाके प्रचार करना है।
श्री चैतन्य महाप्रभु ऑफ कोर्स प्रत्येक व्यक्ति के लिए सबों के लिए अवतार लिए हैं, लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु को आप देखेंगे कि उनके प्रचार का जो टेक्निक था, इसको टेक्निक नहीं बोला जा सकता है कि, लेकिन मुख्य रूप से वो बहुत ही प्रमुख प्रमुख लोगों के पास जाते थे और उनको भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्रदान करते थे, और उनको देख के अन्य जितने भी लोग थे वो भगवान श्री कृष्ण के भक्त जाते थे। जैसे हमने देखा सार्वभौम भट्टाचार्य, प्रकाशानंद सरस्वती, ऐसे बड़े बड़े लोगों को, केशव काश्मीरी, ऐसे बड़े बड़े लोगों को उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्रदान की, भक्ति नहीं कृष्ण प्रेम प्रदान किया, और उनकी इन्फ्लुएंस से पूरा का पूरा जो सोसाइटी होता था वो ऑटोमेटिकली भगवान श्री कृष्ण का भक्त ज्यादा। लेकिन प्रत्येक नॉर्मल व्यक्ति के पास, एकदम ऑर्डिनरी व्यक्ति के पास कौन जाएगा, उसके लिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को चुना और कहा कि नित्यानंद आपको जाना है गौड़ देश, और गौड़ देश को कृष्ण प्रेम से प्लावित कर देना है। तो और साथ में आपको जो रेनन्सिएट है ना, ये वाला रूप छोड़ना है। तो उन्होंने आज्ञा दे दी विवाह करने की। तो ये आज्ञा थी, तो आज्ञा श्रीधार्य है, भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा बलराम के लिए हमेशा श्रीधार्य होती है। उसी तरीके से चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा नित्यानंद प्रभु के लिए। तो सभी भक्तों के साथ बातें हुई कि ऐसा ऐसा ऑर्डर मिला है, मुझे तो जाना है, लेकिन नित्यानंद प्रभु को बोला गया कि देखो सब लोग आएंगे गौड़ देश से, प्रत्येक साल आएंगे मुझसे मिलने के लिए, लेकिन आपको नहीं आना है। देखिए इतना बड़ा, इतनी पावरफुल हैवी इंस्ट्रक्शंस मिल गया, फिर नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु की माने नहीं, हुआ प्रत्येक साल जाते थे महाप्रभु से मिलने के लिए जगन्नाथपुरी। तो जगन्नाथपुरी से आए नित्यानंद प्रभु अपने भक्तों के साथ, कुछ भक्तों को दिया गया था चैतन्य महाप्रभु के द्वारा, उनके जो भी पार्षद गण थे, द्वादश गोपालों में से जो मुख्य थे, द्वादश गोपाल के जो श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला में अवतार हुए थे, सभी आए। और उसी समय इधर जानवा माता और उनकी बहन वसुधा यहाँ पे पल बढ़ रही थी। एक जगह है जिसका नाम था शालिग्राम, अभी वो जगह अंबिका कालना के नाम से प्रसिद्ध है, मशहूर है। तो जानवा माता और वसुधा, जिनके पिताजी का नाम था सूर्यदास, तो सूर्यदास और उनका उनका टाइटल था सूर्यदास सरखेला, उनका टाइटल था। तो सूर्यदास सरखेला को उसी समय एक बहुत ही अच्छा स्वप्न आया। सूर्यदास सरखेला का घर कहाँ था, शालिग्राम में, शालिग्राम एक जगह है। तो ये सूर्यदास सरखेला के एक एक स्वप्न में आते हैं भगवान श्री नित्यानंद प्रभु और बलराम जी, बलराम जी बैठे हुए हैं, बलराम जी के साथ हैं उनकी दो शक्तियां, मतलब कि बलराम जी की दो शक्तियां मतलब कि दो पत्नियां, क्या क्या है उनके नाम शायद आपको याद होगा, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो कौन है, रोहिणी सॉरी रेवती एंड दूसरी पत्नी का नाम था रेवती एंड वारुणी, इफ आई एम करेक्ट। तो रेवती एंड वारुणी, तो रेवती वारुणी दोनों बैठी हुई हैं और सूर्यदास सरखेला देखते हैं सपने में कि रेवती वारुणी उनकी पुत्री के रूप में परिवर्तित हो जाती है फट से, मतलब जानवा और वसुधा के रूप में परिवर्तित हो जाती है, और बलराम जी नित्यानंद के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। उनका तो क्या ऐसा स्वप्न हुआ कि हाँ कि पता नहीं क्या हो रहा है। तो सुबह में उठ के उन्होंने सबसे पहले एक बहुत ही अच्छे ब्राह्मण को बताया कि ऐसा ऐसा मैंने स्वप्न देखा है। तो ब्राह्मण बताया कि हो सकता है कि आप इतने महाभाग्य हैं और ऐसे महाभाग्य हैं कि नित्यानंद प्रभु आपके दामाद बनने वाले हैं। तो नित्यानंद प्रभु अपने भक्तों के साथ, आप जानते हैं कैसे अपनी भक्तों के साथ वो जब जगन्नाथपुरी से निकले गौड़ देश की तरफ, तो पूरा का पूरा जो एरिया जिधर से वो गुजर रहे थे उन्होंने पूरा फ्लड कर दिया कृष्ण प्रेम से, जैसे कोई नदी बहती है और बाढ़ के समय में जब वो पूर्ण रूप से बहुत ही जोर से बहती है, क्या बोलते हैं उसको, खतरे की निशान से ऊपर बहती है। तो श्री नित्यानंद प्रभु के सभी पार्षद के नित्यानंद प्रभु के साथ पूरा का पूरा गौड़ देश को प्लावित करते हुए आ रहे थे, और आते आते इधर भी पहुंचे, मायापुर पहुंचे, और मायापुर में जब वो थे तो उस समय सूर्यदास सरखेला ने एक व्यक्ति उस ब्राह्मण को भेजा, जाइए आप
इसके बारे में बताइए नित्यानंद गुरु को। नित्यानंद गुरु को पता है, वो तो बलराम जी स्वयं हैं, कर्ण दक्षा विष्णु के वो सोर्स हैं, तो उनको क्या पता नहीं होगा। तो वो आते हैं और बोलते हैं कि सूर्यदास सरखेला ने आपके लिए अपनी पुत्री को चुना है विवाह करने हेतु। तो फिर नित्यानंद गुरु को वहां से ले जाया जाता है साथ में सही भक्तों के साथ। कुछ और भक्त होते हैं, श्रीवास ठाकुर, अद्वैत आचार्य, इसे भक्तों के साथ ले जाते। तो ये जो सूर्यदास सरखेला है, ये बोला गया कि रैवत हैं, रैवत आई मीन रेवती के पिताजी, जो कि कृष्ण लीला में आए थे, रैवत ककूद मीर का रैवत। और ये जो जानवा माता और उनकी जो बहन वसुधा, दे आर नॉट जस्ट ऑर्डिनरी सोल्स। तो इनका जो ऑन्टोलॉजिकल मतलब इनका जो ये आइडेंटिटी है, एक तो हो गया कि वो कृष्ण लीला से आए हैं, और साथ साथ में उनका एक दूसरा आइडेंटिटी है कहाँ पे, भगवान श्री कृष्ण की जो माधुरी लीला है उसमें भी। तो वो कहलाते हैं श्री आनंद मंजरी, जो कि श्री राधा रानी की छोटी बहन है। तो एक श्लोक इसमें ये हमारे कवि कर्णपुर जी, जो कि एक नाटक की रचना की जिसमें सारे गौर पार्षदों का क्या आइडेंटिटी है, मतलब कि कृष्ण लीला में क्या आइडेंटिटी है, उसका निरूपण किया गया है। तो बोलते हैं श्री वारुणी रैवत वंश संभवे तस्य प्रिये द्वे वसुध च जानवी, श्री सुरस्य दशस्य महात्मन सुते ककुद्म रूपस्य च सूर्य तेज अनंग मंजरीं केचि जानवं च प्रचक्षते उभयम् तु समीचीनं पूर्व नयत सप्तम मतम। तो गौर गणेश दीपिका कवि कर्णपुर जी ने लिखा है, उसमें बताया गया है कि वही अनंग मंजरी है जो कि श्रीमती राधा रानी की छोटी बहन है। तो तीन व्यक्ति एक ही साथ कैसे आ सकता है? तो ये सब स्पिरिचुअल ट्रांसजेंडर प्लेटफॉर्म सब कुछ हो सकता है, हम लोग के लिए नहीं है, दिस इज नॉट फॉर द कंडीशन सोल्स। तो एक ही व्यक्ति में तीन पर्सनालिटीज, थ्री पर्सनालिटीज कैन बी देयर लाइक इन वन पर्सनालिटी, ओके, तो दिस इज पॉसिबल। और ऐसे बहुत सारी महाप्रभु की पार्षदों में और फिर भगवान श्री कृष्ण के पार्षदों में ऐसा देखा गया है। तो वही अनंग मंजरी है जो कि बहुत ही डियर सर्वेंट हैं श्रीमती राधा रानी की। और तो फिर नित्यानंद प्रभु की हम लोग आगे बढ़ते हैं, नित्यानंद प्रभु की शादी के बारे में, शादी के बारे में सुश्रेन बोल रहे थे कि सूर्यदास सरखेला को ड्रीम आता है, फिर उस ब्राह्मण ने सभी भक्तों को साथ में लेके, नित्यानंद प्रभु को साथ में लेके पहुंचते हैं कहाँ पे, शालिग्राम, दैट प्लेस जहाँ पे उनका घर था, तो घर अभी भी है। तो जब वो पहुंचते हैं तो नित्यानंद प्रभु से उनका अनबन हो जाता है। नित्यानंद बोलते नहीं, तुमको क्या लगता है कि मैं तुम्हारी बेटियों से शादी करूंगा, ऐसा करके वो निकल जाते हैं। थोड़ा ट्रांसेंडेंटल पास टाइम्स होता है। तो जब आगे बढ़ जाते हैं, नितिन को छोड़ के चले जाते हैं, तो फिर इधर देखते हैं वसुधा मतलब कि पूर्ण रूप से व्याकुल होके वो गिर पड़ती हैं और उनका सांस ऑलमोस्ट रुक गया होता है वसुधा का। और उसके बाद डॉक्टर्स को बुलाया जाता है, डॉक्टर्स बोलते हैं कि ये प्राण अभी छोड़ने वाली है, अगर आप नित्यानंद को बुला के नहीं लाते हैं तो मतलब कि आपकी बेटी गई। तो सूर्यदास सरखेला फिर आगे बढ़ते हैं, जल्दी से जाते हैं नित्यानंद को बुला के लाते हैं, उनको पांव उनके दंडवत प्रणाम करते हैं और उसके बाद फिर उनको बुला के लाते हैं। उसके बाद नित्यानंद के पास श्रवण मात्र से ही, उनकी आवाज के सुनने के मात्र से ही वसुधा फिर से कॉन्शियसनेस में आती है। और जहां पे भी जाते हैं सब कुछ हरिनाम संकीर्तन के साथ होता है। तो ये जो संबंध है वसुधा और वसुधा जानवा और श्री नित्यानंद प्रभु का, ये पूरा का पूरा ट्रांसेंडेंटल पास टाइम्स है। देयर इज नथिंग, नो इनएबिलिटी ऑफ मंडेन प्लेटफॉर्म, ओके। तो एक व्यक्ति होते हैं जिसका नाम होता है कृष्णदास, वो पूरा का पूरा जितना भी शादी ब्याह में जो खर्च होगा उसका भार वहन करने के लिए आगे बढ़ते हैं। और बहुत ही धूमधाम से नित्यानंद प्रभु का विवाह होता है, जैसे मनुष्य का विवाह होता है, सारी रिचुअल से होता है, बट ही इज नॉट मनुष्य एंड दे आर नॉट मीटिंग वंस, मतलब कि उन लोग पहली बार नहीं मिल रहे हैं, जैसे लोगों की शादी कैसे होती है, वी मोर्टल्स दे गेट मैरिड विथ समवन हु नेवर दे नो अबाउट देम
by arrangement of material nature, they come together and they, after that they get separated. But Nityananda Prabhu और जितने भी भगवान श्री कृष्ण के जितने भी पार्षद हैं वो सभी हमेशा से एक ही साथ हैं. एंड वी आर ऑल्सो ऑलवेज विद कृष्णा इन रिलेशनशिप, बट बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ मटेरियल नेचर हम लोग क्या है कि हम लोग सेपरेटेड हो चुके हैं और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं. तो एक बात बोल रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण आते हैं यहाँ पे प्यार रचाते हैं, शादी इसलिए रचाते हैं कि हमारी शादी रुक जाए. न जाने कितनी जन्मों में हम लोग कितनी स्पीसीज में कितनी सारी प्रजातियों में घुस घुस के मल्टीपल शादी कर रहे हैं, है ना. तो हमारे जो शादी का क्रम जन्मों के बाद जन्म चल रहा है वो रुक जाए. इसका मतलब ये नहीं कि आपको शादी नहीं करनी है, लेकिन वो जो बार बार जन्म लेके जो किसी भी जीव के साथ शादी रचाते हैं लोग, तो वो रुक जाए. इसी के लिए भगवान श्री कृष्ण आके शादी करते हैं, क्योंकि जीव देख सके हाँ भगवान श्री कृष्ण ओ ऐसी शादी हुई है, इतनी धूमधाम से हुई है, अच्छा ये हुआ, अच्छा हुआ, तो ऐसी लीलाएं सुन के वो भगवान श्री कृष्ण को सही रूप से जान पाते हैं और अंततः वो परम धाम को लड़ सकते हैं. पुनर्जन्म न विद्यते. तो श्रीवास पंडित, श्री अद्वैत आचार्य, चंद्रशेखर आचार्य, मुरारी गुप्ता, जितने भी सारे भक्त वो हरिनाम संकीर्तन के साथ पहुंचते हैं और पूरा का पूरा जो व्याह होता है उसमें साथ में हरिनाम संकीर्तन भी चलता है. तो यहाँ पे हमें एग्जांपल सीखना चाहिए कि अगर किसी को शादी भी करनी है तो हरिनाम संकीर्तन के साथ शादी करनी चाहिए. तो इस तरीके से नित्यानंद प्रभु अपनी पत्नियों के साथ वहां पे दो दिन रहते हैं और कुछ दिन फिर एक दूसरे जगह पे बड़ोगाछी में जाते हैं, जहाँ पे कृष्णदास जो कि उनका पैट्रोनाइज किया था शादी, उनके यहाँ पे रहते हैं. उसके बाद फिर सीधा मायापुर लौट के आते हैं. मायापुर लौट के आके श्री माता सची माता से आशीर्वाद लेते हैं और उसके बाद कुछ दिन सीधा मायापुर में रहने के बाद वो फिर श्री अद्वैत आचार्य के घर शांतिपुर पहुंचते हैं. शांतिपुर पहुंचने के बाद वहां पे सीता ठाकुरानी अद्वैत आचार्य की वाइफ अद्वैत आचार्य से कृपा लेते हैं. उनके बाद कुछ दिन वहां पे हरिनाम संकीर्तन करते हैं. तो हर जगह अब वो क्या कर सकते हैं, घूम सकते हैं. एक सन्यासी व्यक्ति हर जगह नहीं जा सकता, लेकिन एक गृहस्थ व्यक्ति हर जगह जा सकता है. तो जो व्यक्ति शादी ब्याह करते हैं उनके लिए भगवान श्री कृष्ण का नाम प्रचार करने के लिए एक बहुत ही ज्यादा एडवांटेज है, वन ग्रेट एडवांटेज. इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को ये आज्ञा दिया था कि आप जाओ, आप शादी करो, आप ब्याह करो, ठीक है, आप विवाह करो और प्रचार करो. तो अदरवाइज दे डोंट हैव, दे आर आत्मारामस, उनको कुछ किसी भी चीज की कमी नहीं है. वो स्वयं अंदर से ही अपने आप से ही वो प्रसन्न होते रहते हैं. तो सभी नित्यानंद प्रभु, इनका नाम ही नित्यानंद, जो कि हमेशा आनंद में रहते हैं. नित्यानंद अवधूत, श्री अवधूत शिरोमणि. तो हर जगह जहां पे भी जा रहे हैं श्री नित्यानंद प्रभु अपनी ट्रांसेंडेंटल वाइब्स के साथ और अपने पार्षदों के साथ वो पूरा का पूरा जगह फ्लड कर रहे हैं हरिनाम संकीर्तन से. उसके बाद वो उदाहरण दत्त ठाकुर के पास पहुंचते हैं जिनका घर आदि सप्तग्राम में है. आदि सप्तग्राम मतलब कि वो मंडल स्टेशन से पहले आता है आदि सप्तग्राम. वहां पे उदाहरण दत्त ठाकुर का निवास है जो कि एक द्वादश गोपालों में से है. और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दें कि उदाहरण दत्त ठाकुर के ही लीनेज में आते हैं हमारे वेरी वेरी डियर श्रील प्रभुपाद. श्रील प्रभुपाद की जय. तो उदाहरण दत्त ठाकुर के लीनेज में श्रील प्रभुपाद भी आए हैं जो कि द्वादश महाजनों में से एक है. उसके बाद वहां पे फ्लड करने के बाद फिर आगे बढ़ते हैं कहाँ पे, हरदा. तो थोड़ी सी दूर और आगे कलकत्ता की तरफ में एक जगह है जो कि हरदा नाम से प्रसिद्ध है और वहां पे नित्यानंद प्रभु अपना परमानेंट रेसिडेंस करते हैं. तो वहां उनका एक तरह से बोला जाए तो हेडक्वार्टर होता है हरदा में. तो इस तरीके से पांच टाइम्स है और नित्यानंद को अपने सभी पार्षदों के साथ प्रसार करते हैं. तो जानवा माता से उनका कोई भी संतान की उत्पत्ति नहीं हुई जानवा माता, लेकिन वसुधा से एक पुत्र और एक पुत्री की उत्पत्ति हुई. जो पुत्र थे श्री वीरभद्र और पुत्री का नाम था श्री गंगा माता, ओके, जो कि वसुधा माता से निकली है. तो श्री जानवा माता का बहुत सारा नाम है. उनका नाम जानवेश्वरी भी है, उनका नाम जानवा देवी है, या फिर ईश्वरी भी बोला जाता है.
मुख्य रूप से ईश्वरी के नाम से ज्यादा प्रसिद्ध हैं, मतलब कि वो भगवान श्री कृष्ण की अंतरंगा शक्ति हैं, श्री बलराम जी की अंतरंगा शक्ति हैं, ईश्वरी हैं, शी इज नॉट जस्ट ऑर्डिनरी वुमन लाइक वी सी, सो ईश्वरी हैं। कैसे ईश्वरी हैं वो आगे आपको पता चलने वाला है। तो वीरभद्र जो हैं वो दूसरे ईश्वर हैं, वो है श्री शिरोदक्षा विष्णु के अवतार, शिरोदक्षा विष्णु। तो वीरभद्र के साथ जब वो बहुत ही बचपन में थे, माँ की गोद में थे, तो उनके घर पे आए थे कौन, अभिराम ठाकुर प्रणाम करने के लिए। अभिराम ठाकुर एक ऐसे व्यक्ति थे, अगर किसी भी शिशु को वो प्रणाम करेंगे, किसी भी व्यक्ति को अगर वो प्रणाम कर दिए, अगर वो पाखंडी व्यक्ति है, वो भंड व्यक्ति है, या फिर वो प्योर डिवोटी नहीं है, या फिर वो भगवान श्री कृष्ण कांस नहीं है, आई मीन द स्वांस, तो उसका कल्याण हो जाएगा, ही विल डाई, देयर इज नो अदर वे। तो वो व्यक्ति आए थे अभिराम ठाकुर यहाँ से मिलने के लिए आए थे वीरभद्र से। तो नित्यानंद प्रभु ने उनको रोक के रखा था, लेकिन अंततोगतः वो पहुंची गए और वीरभद्र को प्रणाम किया और वीरभद्र को कुछ नहीं हुआ। और इस तरीके से प्रमाण होता है कि वीरभद्र कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं थे, भगवान विष्णु स्वयं थे। कवि कर्णपुर बताते हैं क्षीरदक्षा विष्णु के अवतार हैं और गंगा देवी उनकी बहन, वो गंगा देवी ही है, ठीक है। तो इस तरीके से एक बार क्या है कि जानवा माता कुछ कुकिंग कर रही थी, तो कुकिंग करते हुए है ना, बहुत बार क्या होता है कि एक ही साथ बहुत सारे कार्यों करना पड़ता है ना, कभी आंचल को भी संभालना होता है और कुकिंग के लिए लकड़ियां भी डालनी होती है। तो क्या हुआ ना कि दो कार्य एक साथ करने के लिए जानवा माता ने दो एक्स्ट्रा हाथ वो मैनिफेस्ट कर दिया। इट वाज लाइक ऑल ऑफ अ सडन एक ही व्यक्ति देख पा रहा था वहां पे, वीरभद्र। उन्होंने गौर किया कि अरे मेरी माँ के चार हाथ कैसे हो गए, तो इसे देख के पूरा दंग रह गया। तो उस वीरभद्र को पूर्ण रूप से प्रमाण हो गया कि जानवा माता जो है वो कोई ऑर्डिनरी वुमन नहीं है। और वीरभद्र उनसे दीक्षा लेते हैं जानवा माता से, और गंगा देवी भी आगे बढ़ के उनके उनके उनका विवाह होता है एक बहुत ही अच्छे ब्राह्मण से, जिनका नाम होता है मध्वाचार्य, जो कि संतनु, जो कि कृष्ण लीला में गंगा माता के हस्बैंड थे, उनके अवतार होते हैं। तो इस तरीके से नित्यानंद प्रभु के साथ नित्यानंद प्रभु तो रहते ही हैं, उसके बाद बहुत सारी लीलाएं होती हैं। और पूरा का पूरा जब बंगाल फ्लड हो जाता है, तो आप लोग जानते हैं जो फेमस कन्वर्जेशन होता है चैतन्य महाप्रभु और अद्वैत आचार्य के साथ, अद्वैत आचार्य को पूछते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु क्या हाल है, मार्केट में जाके बताओ, अद्वैत आचार्य बोलते हैं कि मार्केट फ्लड हो गया है, हमारी सामग्रियां बिक नहीं रही हैं, सब लोग फ्लड हो गया है कृष्ण प्रेम में, सब क्या बोल रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, हबूडूबी खा रहा है सब। तो नित्यानंद प्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु तो पहले निकले, नित्यानंद प्रभु निकले और सभी जितने भी गौरंग महाप्रभु के पार्षद थे, श्री गौर सुंदर के पार्षद, एक एक करके सभी गोलक धाम पधार रहे थे, सभी जा रहे थे। तो उसके बाद पहला गौर पूर्णिमा फेस्टिवल, जो कि गौड़िया हिस्ट्री में बहुत ही प्रसिद्ध है, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं सेकेंड जनरेशन डिवोटीज, मतलब तो या सो समवेयर वी गॉट मिस्ड आउट। ओके, सो खेतुरीग्राम फेस्टिवल के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो ये जो तीन की एक टीम होती है, श्रीनिवास आचार्य, गौतम दास ठाकुर, श्यामानंद पंडित, ये खेतुरीग्राम फेस्टिवल पहला गौर पूर्णिमा फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करते हैं। गौर पूर्णिमा फेस्टिवल हर एक साल मायापुर में होता है, सारी दुनिया से भक्त लोग आते हैं। और उसी तरीके से खेतुरीग्राम जो कि अभी ईस्ट बंगाल में है, बांग्लादेश, तो वहाँ पे खेतुरीग्राम फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करते हैं, जिस समय अद्वैत आचार्य, नित्यानंद प्रभु, श्रीनिवास पंडित सभी लोग ऑलरेडी चले गए होते हैं कहाँ, गोलोक वृंदावन, और बहुत सारे अन्य पार्षद भी महाप्रभु के चले गए होते हैं। लेकिन कुछ व्यक्ति अभी भी होते हैं, बहुत सारे चैतन्य महाप्रभु के पार्षद उस समय होते हैं, जिसमें कृष्णदास मिश्रा, मेनिकेतन रामदास, मुरारी चैतन्य, ज्ञानदास, परमेश्वरी दास और बहुत सारे पार्षद होते हैं। तो इस तरीके से श्रीवास ये नरोत्तम दास ठाकुर बुलावा भेजते हैं, जानवा माता उस समय चीफ वैष्णवी होती है, चीफ वैष्णव या फिर वैष्णवी बोले तो उस समय, मतलब कि इस नित्यानंद प्रभु की जो अंतरंगा शक्ति है वो स्वयं रहती है, तो उनको चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया जाता है, कहाँ पे, खेतुरी ग्राम में। और खेतुरी ग्राम में वहां पे जाके 4 लाखों भक्त लोग वहां पे इकट्ठे होते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु के पार्षदगण खेतुरी ग्राम
पूरा पूरा क्षेत्र को हम समझिए कि एक पंडाल प्रोग्राम में जैसे लोग होते हैं ना, वैसे तब्दील हो गया होता है। और भक्तों की संख्या इतनी होती है कि समझिए कि बोट जितना भी सारा उस एरिया का बोट था सब भर गए होते हैं, खाली नहीं होता है। वो सारे लोग गंगा को पार करने के लिए, पद्मा रिवर को पार करने के लिए वो खुद तैयार के क्रॉस कर रहे हैं। और बहुत ही मैसिव फेस्टिवल होता है, मैसिव लाइक एनीथिंग। और वहां पे सभी भक्तों को प्रसाद खिलाने का जो जिम्मा होता है और जो मेन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो लेती है कौन? श्री जानवा माता। और जानवा माता फिर अगले दिन गौर पूर्णिमा फेस्टिवल के दिन नरोत्तम दास ठाकुर को वो इम्पावर करती हैं कीर्तन करने के लिए। और नरोत्तम दास ठाकुर वहां पे कीर्तन करते हैं, ऐसा कीर्तन करते हैं कि जितने भी पार्षद श्री चैतन्य महाप्रभु उनके पार्षद जो कि चले गए हुए थे, अद्वैत आचार्य नित्यानंद प्रभु, सब लोग फिर से आते हैं साथ में कीर्तन करते हैं। मतलब कि लाइक एवरीथिंग इज कमिंग लाइव। तो ये है हरिनाम संकीर्तन की महिमा। तो ऑफ कोर्स जब श्री चैतन्य महाप्रभु की शुद्ध प्रेम भक्ति से कोई संकीर्तन करते हैं तो महाप्रभु वहां पे होते हैं, लेकिन वहां पे सभी भक्त लोग देख पा रहे होते हैं कि ये सभी महाप्रभु और महाप्रभु के पार्षदगण जो कि ऑलरेडी मतलब संसार छोड़ चुके हैं फिर से यहाँ पे उपस्थित हो गए हैं। और इस तरीके से वो क्षेत्रीय ग्राम का फेस्टिवल वहाँ पे संपन्न होता है और भाव विभोर विदाई होती है। उसके बाद निकलते हैं, उसके बाद श्री जानवर माता आगे बढ़ती हैं वृंदावन की तरफ। और वृंदावन जाने के रास्ते में बहुत सारी ऐसी लीलाएं होती हैं। वृंदावन में जाते समय बंगाल में एक गांव में जानवा माता आती हैं और वो पूरा गांव का, पूरा गांव के जितने भी सारे लोग होते हैं माता चंडी के भक्त होते हैं, सभी माता चंडी के भक्त होते हैं। और क्योंकि जानवा माता बहुत ही प्रसिद्ध होती हैं तो सभी व्यक्ति जानवा माता को प्रणाम करते हैं, भले ही माता चंडी के भक्त हैं, लेकिन कुछ लोग जो थे वो जानवा माता को बोल मतलब कि उतना मानते नहीं, बोलते हैं कि ये क्यों इतने सारे लोग जानवा माता को, ऑर्डिनरी महिला है उसको जाके प्रणाम करती है, अरे चंडी माता है हमारी उनको प्रणाम करना चाहिए, पागल लोग हैं ऐसे। तो इस तरीके से बोलने के बाद उस रात में उन लोग सोते हैं तो उनके स्वप्न में, उन पाखंडियों के स्वप्न में माता चंडी आती है, बोलती है कि दुष्टों वो जो महिला है ना वो ऑर्डिनरी वुमन नहीं है, मैं उसके चरण की दासी हूं, ठीक है, अगर तुम लोग कल जाके तुम लोग माफी नहीं मांगे तो ये देख रहे हो ना खड़ग, चंडी का खड़ग है ना, इसे तुम्हारा गला कटेगा। तो उन लोग का तो भय का कोई परामर्श नहीं रहता, तुम तुरंत अगले दिन उठते हैं और पूरा दंडवत प्रणाम करते हैं और माफी मांगते हैं जानवा माता से। जानवा माता उनको कृष्ण भक्ति देती है और बोलती है हरे कृष्ण नाम का जप करो और पूरे पूरे जहां पे भी जाओ प्रचार करो। फिर आगे एक दूसरे गाँव में जाते हैं तो क्योंकि पहले बहुत ज्यादा जंगल हुआ करता था, अभी भी है वृंदावन के रास्ते में, तो वहां पे कुछ डकैत लोग पॉइंट आउट कर लेते हैं इनको, भक्तों को, और सोचते हैं कि इनको हम लोग रात में क्या करेंगे, लूटेंगे और सबों को मार देंगे। तो जानवा माता और जितने भी सभी भक्त लोग थे, पार्षदगण थे, सभी लोग वहां पे एक जगह पे रुकती हैं, रेस्ट ले कर रही होती हैं। तो उनको प्लानिंग के अनुसार डकैत के जितने भी डकैत उनके प्लानिंग के अनुसार उन लोग उठते हैं रात में अपना काम को, अपने काम को अंजाम देने के लिए। जैसे ही उठते हैं उठ के फिर वो चाहते हैं कि मैं हम लोग आगे बढ़ के जानवा माता को अटैक करेंगे और सभी लोगों को अटैक करके सब कुछ लूट लेंगे। तो वो दौड़ने लगते हैं और दौड़ते ही रहते हैं। वो बस वहां से बस 200 मीटर दूर ही छुपे होते हैं, लेकिन वहां से जब वो दौड़ने लगते हैं तो दौड़ते ही रहते हैं, पूरी रात चली जाती है फिर दौड़ते रहते हैं। मतलब कि दौड़े बहुत लेकिन डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं होता है, मतलब एक ही जगह पे जैसे रैंप में लोग दौड़ते हैं, बहुत सारा दौड़ते हैं, बहुत दौड़ते हैं लेकिन रहते हैं वहीं पे। तो ये नित्यानंद प्रभु या फिर जानवा माता जो कि नित्यानंद प्रभु की शक्ति है, उनका ही परिणाम है, उनकी शक्ति है कि सभी लोग, सारे संसार के लोग उस माया में भ्रमित हैं। तो एक छोटा सा डकैत जो कि महामाया के महामाया में भ्रमित है, उसकी बात क्या। तो उसके बाद उनको पता चलता है कि ये कोई दूसरी शक्ति यहाँ पे काम कर रही है। तो उनको पता चलता है कि ये जो भक्त लोग यहाँ पे आए हैं कोई ऑर्डिनरी लोग नहीं है, वो डकैत लोग जाके सुबह में जाके प्रणाम करते हैं, क्षमा याचना करते हैं
और जानवा माता उनको माफ कर देती है और बोलती है हरे कृष्ण महामंत्र का आप लोग जप कीजिए, ठीक है, आप लोग डकैत हैं, आप लोग लीडर हो डकैत्स के, तो सब डकैत को जाके आप क्या बोलो, हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार करो। तो जानवा माता का पूरा ध्येय यही होता है कि जहां पे भी जाए नित्यानंद प्रभु का जो ऑब्जेक्टिव था, मिशन था, हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार करना, उसको बढ़ा रही थी और उस समय मोस्ट प्रोमिनेंट स्पिरिचुअल मास्टर थी। तो इस तरीके से वो वृंदावन पहुंचती है, वृंदावन के प्रिसिंक्ट पे पहुंचने पे ही सभी भक्तों को, वृंदावन के सही भक्तों को पता चल जाता है कि ईश्वरी आ रही हैं, जानेश्वरी आ रही हैं। तो सही भक्त लोग जिसल जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, मधु पंडित, लोकनाथ गोस्वामी, भूगर्भ गोस्वामी, सभी वहां पे पहुंचते हैं उनको ग्रीटिंग करने के लिए। उस समय रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी ऑलरेडी वृंदावन छोड़ के चले गए होते हैं। और इस तरीके से वृंदावन में कुछ दिनों तक रहने के बाद वहाँ पे जितने भी सारे मंदिर हैं, प्रमुख मंदिरों में वो विजिट करती हैं, और विजिट करने के बाद वो सुलजीव गोस्वामी श्रीपाद के पास पहुँचती हैं और वहाँ से उनका मन होता है कि वो राधा कुंड पहुँचे और वहाँ पे श्री रघुनाथ दास गोस्वामी से मिले। रघुनाथ दास गोस्वामी तो सभी जानते होंगे, तो ये सभी पार्षदों के नाम कम से कम याद होने चाहिए, उनकी लीलाओं को भी याद होना चाहिए। तो रघुनाथ दास गोस्वामी इतनी दुख में होते हैं क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु चले गए, नित्यानंदपुर चले गए, रूप गोस्वामी चले गए, सभी तो जा रहे हैं, तो उनका बिल्कुल मतलब पूर्ण रूप से वो भाव विभोर होके बहुत ही चिंतामंद रहते हैं। तो ट्रांसेंडेंटल चिंता, इट्स नॉट ऑर्डिनरी चिंता फॉर नथिंग। तो वो किसी तरीके जानवा माता से मिलने नहीं जाते, लेकिन जानवा माता स्वयं मिलने आती हैं किनसे, रघुनाथ दास गोस्वामी से। वहां पे 3 दिन रहती है राधा कुंड के पास, सभी भक्तों से मिलती हैं और राधा कुंड में उन्हें भगवान श्री कृष्ण को दर्शन होता है बंसी बजाते हुए। तो वो जगह अभी भी मशहूर है राधा कुंड के पास, जानवा माता तला बोलते हैं उस जगह। तो 3 दिनों में रहने के बाद वो फिर पूरा का पूरा ब्रजमंडल परिक्रमा करती है सभी भक्तों को लेके, और सुलजीव गोस्वामी के साथ वो श्री बृहद भागवतामृत, श्री सनातन गोस्वामी के द्वारा रचित जो ग्रंथ है उसको वहाँ पे अध्ययन करती। तो इस तरीके से वृंदावन से रिटर्न होने के बाद जितने बचे हुए लोग होते हैं उस समय, मतलब कि बचे हुए पार्षदगण होते हैं, उनसे मिलते हैं। बहुत सारे लोग चले गए होते हैं उस समय, सची माता चली गई होती है, जब मायापुर आते हैं जानवेश्वरी तो उनके दुखों का भी पारावार नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ रोती हैं। सीता ठाकुरानी, अद्वैत आचार्य चले गए, तो हर जगह जाके उनको यही मिलता है कि ये चले गए, वो चले गए। लेकिन कुछ कुछ भक्त लोग होते हैं जो कि सेकेंड जनरेशन में रहते हैं, अंबिका कालना पहुंचती हैं, गोरीदास पंडित चले गए होते हैं। तो गोरीदास पंडित जानवा माता के चाचा जी थे, तो गोरीदास पंडित और सूर्यदास हरखेला पूरे 6 भाई थे। तो हृदय चैतन्य उसमें होते हैं, सप्तग्राम, खारदा, जाजीग्राम में श्रीनिवास आचार्य से मिलते हैं, उसके बाद श्रीखंड में रघुनंदन से मिलते हैं, एक चक्रधाम जाते हैं अपने नित्यानंद प्रभु के घर पे, नित्यानंद प्रभु के जहाँ पे बाल्यकाल हुआ, बाल्यकाल की लीलाएं हुई। तो इस तरीके से जब वो वृंदावन में होती हैं तो एक बहुत ही अद्भुत लीला होती है वहाँ पे, कि जब वो यमुना में स्नान कर रही होती है तो एक काला हाथ ऐसे निकल के आता है यमुना के पानी से और ईश्वरी का जो आंचल है ना उसको पकड़ लेता है और बोलता है कि मैं हूँ श्याम सुंदर, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, ऐसा बोल के वो छिप जाते हैं। और यही बोलते हैं कि आप जब गौर देश लौटेंगे तो जब आप स्नान करती रही होंगी कहाँ पे, गंगा में, तो मैं वहाँ पे आपसे मिलूंगा। तो ठीक वही होता है, जब खारदा में पहुँचती हैं तो जब स्नान करने के लिए जाती हैं श्री जानवा, तो वहाँ पे गोपीनाथ जी का दर्शन होता है पानी के अंदर में। गोपीनाथ का बहुत ही सुंदर विग्रह वहाँ पे मिलता है और श्री राधा गोपीनाथ जी का फिर वहाँ पे पास में एक जगह है वहाँ पे उनका इंस्टॉलेशन होता है, वो राधा गोपीनाथ जी अभी भी हैं। और इस तरीके से जानवा देवी भी सभी भक्तों का मतलब कि जो विरह है उसको, श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद का विरह को सही में वो टॉलरेट नहीं कर पा रही होती है। और ऑफकोर्स नित्यानंद प्रभु ने जो जो आज्ञा दी थी प्रचार करने के लिए सब कुछ पूर्ण हो गया होता है। तो एक दिन वो श्री वही गोपीनाथ जी की मंदिर में जाती हैं और मंदिर में जाने के बाद कपाट बंद होने के बाद मंदिर से नहीं निकलती है।
मतलब कि वो श्री श्री राधा श्याम सुंदर, श्याम सुंदर के मतलब कि जो मूर्ति स्वरूप है विग्रह में ही चली जाती, मतलब कि विलीन हो जाती। तो इसका मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि वो ब्राह्मण में टाइप गया फिर हयुज मुक्ति हो गया, बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं। बल्कि क्योंकि जितने भी पार्षद गण हैं वो सभी नित्य पार्षद हैं, उनके जो अंग है ना, जिनके जो शरीर है वो हमारे जैसे मटेरियल पंच महाभूत से बने नहीं होते, सभी चिन्मय होते हैं। और इस तरीके से वो चिन्मय धाम में बहुत ही चिन्मय तरीके से वो प्रस्थान करते हैं। तो इस तरीके से गंगा माता सॉरी जानवा माता का जो लीला है बहुत ही मधुर है, सिंपल नेक्टर। और बोला गया है श्रील भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं कि श्री जानवा माता की कृपा के बिना नित्यानंद प्रभु की कृपा मुश्किल है, नित्यानंद प्रभु की कृपा के बिना श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा मुश्किल है। तो विदाउट द मर्सी ऑफ नित्यानंद प्रभु एनर्जी जानवा माता जानवा देवी नो वन इज एबल टू क्रॉस ओवर द ओशन ऑफ मटेरियल लाइफ, नो वन कैन ऑब्टेन द सर्विस ऑफ नित्यानंद प्रभु एंड इंटर इन टू द लविंग सर्विस ऑफ हिज वर्शिपेबल गौर हरि एंड राधा कृष्ण अनकोट बाय भक्तिविनोद ठाकुर। तो भक्तिविनोद ठाकुर इस तरीके से प्रार्थना करते हैं कि मैं कितना पति पामर, हमेशा न जाने कितने सारे काम वासनाओं की वेव्स में हमेशा गोते लगाते रहता हूँ, हे जानवा देवी कृपा मेरे जैसे पामर पति के ऊपर आप कृपा कीजिए, अन्यथा मेरा इस भव सागर से छुटकारा पाने का कोई उपाय नहीं है। तो आज इतने शुभ दिन में हम लोग आज प्रार्थना करना चाहेंगे श्री जानवा माता से कि हम सबों के ऊपर वो कृपा करें और जैसे कि उनकी सेवा कर सकें, कैसे हरिनाम संकीर्तन में भाग लेके और नित्यानंद प्रभु के इंस्ट्रूमेंट होके प्रचार करते हुए अन्य लोगों को हरे कृष्ण महामंत्र की महत्ता, हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार करते हुए हम सही में श्री जानवा माता को खुश कर सकते हैं, श्री जानवा माता की कृपा के भागी हो सकते हैं। तो टुडे वी शैल प्रे टू हर सो दैट शी कुड बी मर्सीफुल अपॉन अस दैट वी कुड गेट सर्विसेस सर्विसेस ऑफ श्री नित्यानंद प्रभु बाय चैंटिंग द नेम्स ऑफ लॉर्ड हरि एंड स्प्रेडिंग द ग्लोरीज ऑफ हरिनाम संकीर्तन as much as we can. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hari Ram, Hari Ram, Ram Ram, Hare Hare. Shri Shri Janava Devi Ki Jai.